बोलेंगे इस्लाम पर तुझको तो तुम्हें पाला हुसैन ने, पाला हुसैन ने, इस्लाम पर तुझको तो तुम्हें पाला हुसैन ने, पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो तुझको संभाला हुसैन ने, संभाला हुसैन ने, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, काटा तब यजीद निकाला हुसैन ने, निकाला काटा तब यजीद निकाला हुसैन ने, निकाला हुसैन ने, इस्लाम की रगों में, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, काटा तब यजीद निकाला हुसैन ने, निकाला हुसैन ने। एक चार जैसे मेरे जहन में और आ रहे हैं, अभी आप लोगों ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, गुलाम भाई, गुलाम मुस्तफा भाई, एक चार जैसे और मेरे जहन में आ रहे हैं, अभी आप लोगों ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, नोटों से नवाजा, फोटों से नवाजा, एक चार मिसरे हासिल करना हो और तीसरे चौथे मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा। सुनिए कि नबी की नात पे, नबी की नात पे जो अपना माल दे दे गए, नबी की नात पे जो अपना माल दे दे गए, हजार माल मुसीबत को टाल दे दे गए, हजार माल मुसीबत को टाल दे दे गए, हमारे पास मिलेगा ना काला धन तुमको, हमारे पास मिलेगा ना काला धन तुमको, हम अपने माल का सदका निकाल दे गए, हम अपने माल का सदका निकाल दे गए, हम अपने माल का सदका निकाल दे गए। खूबसूरत मसला मैं यहाँ से हाजिर कर रहा हूँ, सब कुछ दुआ को शामिल करके एक कोई पूरा मजमा हाथों को सजाओं में लगाए और बहुत पर से बड़े सुबह अल्लाह, बहुत अच्छा मसला है। ऐसा मतलब कि मसला सुनने के बाद ईमान ताजा हो जाएगा। सुनिए कि मौत को, मौत को, मौत को, मौत को, मौत को जो है गले अपने लगाने वाले, 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 मौत को जो मोहम्मद की खदाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद की खदाने वाले,
ऐसे होते नहीं मोहम्मद के घराने वाले। मौत को जो गले अपने लगाने वाले, मौत को जो गले अपने लगाने वाले, ऐसे होते नहीं ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। और शेर सुने, शेर सुने, बहुत उम्दा शेर सुने। कौन कहता है साथ भाई, कौन कहता है जहन्नम में चलेगी उम्मत, कौन कहता है, कौन कहता है जहन्नम में चलेगी उम्मत, कौन कहता है जहन्नम में चलेगी उम्मत, कौन कहता है। मेरे आका है जहन्नम से बचाने वाले, मेरे आका है जहन्नम से बचाने वाले, मेरे आका है जहन्नम से बचाने वाले। ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अब इस कलाम का सबसे बेहतरीन शेर, मुझे यकीन है कि मजमा खड़ा हो जाएगा शेर सुनने के बाद, इतना अच्छा इतना बड़ा शेर। एक बार पूरा बजना मोहम्मद से बोले सुभान अल्लाह। ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ जो आप लोगों को पहले भी पढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना, तो मोहम्मद से बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा शेर सुनने जा रहा हूँ। एक दिन रो के ये शादी से नाना ने कहा, एक दिन रो के, एक दिन रो के ये शादी से नाना ने कहा, एक दिन रो के ये शादी से नाना ने कहा, एक दिन रो के सहाने वाले, तेरा सजदा नहीं भूले के जमाने वाले, तेरा सजदा नहीं भूले के जमाने वाले। मैं देख रहा हूँ एक चीज की, मैं कैच कर रहा हूँ कि जो पैसा ला रहा है इधर ही से आ रहा है, इधर हमारे अगर पैसा नहीं है कितना दिया, लेकिन कम से कम वोट तो इला सकते हैं, मोहब्बत से बोल तो सकते हैं सुभान अल्लाह। एक शेर और सुना रहा हूं मोहम्मदों की सांस बुलाइजा करे। नेता जानते हैं फिर नेता, नेता जानते हैं आप, जिसको शाह फैज कहते, जिसको कहते हैं भाला बल्लम कहते हैं आप, जो लकड़ी में लगा हुआ होता है आगे रोक लगता है उसे को कहते हैं नेता। चढ़ के मेजे पे भी कुरान की तिलावत की है, कब बोलेंगे मेरे इंतकाल करने के बाद, मैं जब इंतकाल कर जाऊंगा तब बोलेंगे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। चढ़के मेरे पे भी कुरान की तिलावत की है, चढ़के मेरे पे भी कुरान की तिलावत की है, चढ़के मेरे पे, चढ़के मेरे पे भी कुरान की तिलावत की है, चढ़के मेरे पे तिलावत की है, सर का तौफीक भी है कुरान सुनाने वाले,
میں سوچ رہا ہوں کہ ایک نعرہ پیچھے والے کوئی لگا دے بھائی, اگر اس درجے میں کوئی امام علی مقام کا سچا عاشق ہے تو نعرہ سے نعرہ بلند کر دے میرے بھائی, کوئی نہیں نہیں سر زمین ٹوٹیاں سے, حالانکہ میں پہلی بار رہا ہوں جتنے میں نے پروگرام پڑھے اپنے علاقے میں ممبئی ہو گئے دلی, لیکن ادھر کے علاقے میں پہلی مرتبہ آیا. ایک شعر اور کرے ایسا کرے ایک شعر اور ایک بار محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ. اپنے نانا کی امت کو بچانے کے لیے اپنے نانا کی امت کو بچانے کے لیے کربلا میں ہے علی گھر کو لٹانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے کرانے والے. شیر میرے علماء کرام سے بیٹھے ہیں, کچھ گرامر کم علم والا کہہ دیتے ہیں کہ شاہی مزار کے در پہ نہ جاؤ, کچھ کم علم والا کم عقل والا کہہ دیتا ہے شاہی مزار کے در پہ نہ جاؤ, فاتحہ نہ کراؤ, لیکن ان کے در پہ ہمیں جانے سے کیا فائدہ ہے؟ ان کے در پہ ہمیں گئے, ہم لوگ گئے تو ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ شیر کے ذریعے بتا رہا ہوں ان کے در پہ گئے اور ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ رحمتیں کرتی رہے گی تیرے آنگن کا تباہ, برکتیں کرتی رہے گی تیرے آنگن کا تباہ. فاتحہ غوث پہ خواجہ پہ دلانے والے شیر محمد کے گھرانے والے, ایسے ہوتے گئے محمد کے گھرانے والے.